नववर्ष 2023 पर देश की जनता ने अपने अपने ढंग से जश्न मनाया, तो किसी ने गुरुद्वारा साहिब व मंदिर में सुबह सुबह हाजिरी लगाकर नए साल की शुरुआत की। इसी संदर्भ में मालवा में सिख कौम के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्री तख्त साहिब में संगत का उत्साह देखते ही बनता था। इस अवसर पर प्रसिद्ध रागी जत्थों द्वारा कीर्तन कर संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा गया। गुरुद्वारा साहिब में आम संगत के साथ साथ राजनीतिक नेता भी शामिल हुए। शिरोमणि कमेटी द्वारा संगत के आगमन को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई थी। इस दौरान संगत ने देश में सुख शांति की मंगल कामना की और सबके कल्याण के साथ साथ किसानों की खुशहाली की भी कामना की। परमात्मा दे शुकराने दे वजो जिस तरह आज तुसी मिले हो थे, हर साल दी तरह ही असी नवे साल दी शुरुआत परमात्मा दा ओट आसरा लेके शुरू करदे आ, ताकि जो आने वाला नवा साल है अपने परिवार का अते सारे संसार से ही खुशियां खेड़े लैके आवे, सुख शांति रहे, हर चीज़ के विचार परमात्मा हर एक इंसान को तरक्कियां बख्शे। जी पिछले साल संकट रहे ने, किस तरह की अरदास की है? किसानी संकट रहे या कोरोना संकट रहे? पिछले एक दो साल के विचार जिमें करोना की गल कर लीए या किसानी संकट की गल कर लीए, तो जे एक कह दिए पूरे संसार के उपर बहुत दुख का समा गुजरिया। परमात्मा अगे अज इस गल की दुआ करते हैं कि आने वाला साल है जोड़ा सारे के लिए खुशियां खेड़े लैके आए। नवे साल से आ के अरदास की है जी, जिमें जिस तरह पिछला साल बहुत ही लंघे जी बाबे की कृपा नाल, भी अगला साल भी बहुत वधिया लंघे, तो सारे हिंदुस्तान के वर्ल्ड के वधिया सुख शांति रहन, लोग वधिया रहन, तो नवे साल में मुख रखते हुए इतने बहुत वधिया लंगर लगे हुए हैं, बड़े संगतां तांता लगे हुए हैं। आपां तां यही अरदास करते हैं भी हर 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 पल हर खुशियां का खेड़ा ही आए, सच्चे पातशाह की कृपा ना हर एक प्राणी है जिन्हें भी सब खुश रहन। आए है बहुत जल्दी जी, पौने तीन बजे तक इकट्ठा होने लगे जी, इसे तो हूं तक भी मत्था टेकन की बारी नहीं आ रही। बड़ी कृपा महाराज सच्चे पातशाह की, तो लोगों का पूर्ण विश्वास है भी आप जो महाराज के दर्शन करिए तो अपना जीवन सफल हो सकता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज नवे साल से संगतां तख्त श्री दमदमा साहब दर्शन मिलने को बहुत हुम हुम आ के पहुँच रही ने, तो लंगर चल रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी चंगा सहयोग किया जा रहा, प्रबंध किए जा रहे हैं, तो संगतां नवे साल की चंगी तरक्कियां लई खुशियां लई अज गुरु महाराज के चरणों च हाजरियां भर लिया ने चंगे भविख लई। इत्थे संगतां बड़े उत्साह नाल नवे साल की वेग लंगरां लई होर रसदां लई हाजरियां भर रही ने, बड़ी खुशी का माहौल है। हुम हुम आ के संगत इतने पहुंची हुई ने, बहुत सारा इकट्ठ है। तो किस तरह की अरदास की संगतां ने दस्सदा पुछो, तुसीं किस तरह की अरदास की? संगत ने अज अरदास की, मैं अरदास की कि महाराज इस पंजाब नू इस संसार नू आपदे नाम नाल जोड़ के रखे, तो खुशियां खेड़े बख्शे, है ना। गुरमत अनुसार मनोकामना सारी दे पूरिया होण, ते संगतां अरदास कर रही ने कोई चंगे भविख लई, कोई चंगी नौकरियां लई। अकाल पुरख वाहिगुरु तख्त श्री दमदमा साहब विखे अरदासां बेनतियां कर रही ने। नौजवान सभा की ओर से मंड कॉम्प्लेक्स कपूरथला चौंक में एक शाम खाटू शाम के नाम का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विच, विधायक रमन अरोड़ा, आप नेता निखिल अरोड़ा और प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ विजय गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त कर सभा के सदस्यों को इस धार्मिक आयोजन की बधाई दी। इससे पहले गायक दीपक सरगम एंड पार्टी ने इस भजन संध्या की शुरुआत करते हुए श्याम बाबा के मधुर वचनों से भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर सुनील वर्मा, परमजीत सिंह, गौरी, केतन, अक्षय, राहुल, मोनू सहित सभी सदस्यों ने आए हुए मां भक्तों को खाटू श्याम बाबा जी का सिरोपा देकर सम्मानित किया। जालंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जालंधर स्थित उषा माता धाम मोहल्ला गोविंदगढ़ में नववर्ष के उपलक्ष्य में संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन मंडली ने मां के भजनों का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर उषा माता धाम के सेवादार राम जी व ऋतु शर्मा ने गणमान्य लोगों को माता की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अटूट लंगर का भी आयोजन किया गया और सेवादार राम जी द्वारा शहरवासियों को नववर्ष की बधाई भी दी गई।
जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रक्त बीज मधु कैटम मारे सुंबन सुंबय सुर संहारे ओ मैं ह्रीं ह्रीं ब्राह्मण माये सभी ताड़ी लगा कर हरी रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार मैया रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। नववर्ष की जो है उपलक्ष में जो है सभी भक्तजनों को जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं मंगलमय हों शुभकामनाओं से तो हों रोग के दूर हों धन धान्य की वृद्धि हो बच्चों की पढ़ाई में मन लगे जय माता दी। जलंधर में सतगुरु ईश्वर माता जी का जन्मदिन है उसी के उपलक्ष्य में हमने राहुल शास्त्री जी को जहाँ पर बुलाया हुआ है और सबको माँ मनोकामना पूर्ण करे यही उपलक्ष्य में हमने जहाँ पर आज माँ के दरबार में कीर्तन रखा हुआ है तो सब माँ भक्तों को माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करिए जय माता। फिरोजपुर में बने रामबाग वृद्धाश्रम की दूसरी मंजिल का उद्घाटन करने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर फिरोजपुर की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी का आज जन्मदिन भी था। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन भी मनाया। उन्होंने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया और नए साल की शुभकामनाएं दी। वही रामबाग वृद्ध आश्रम के प्रधान हरीश गोयल ने पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी का धन्यवाद किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। जो यह आश्रम की नींव रखी गई पहले दिन से ही शहरवासियों की दुआएं शहरवासियों का प्यार और फंड लोग इतना फंड इन्होंने भेजा है लोगों ने जो पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल का नींव पत्थर जो रखा नेताजी ने अपने हाथ से रखा और ये वायदा किया कि पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा और वो आई भी नहीं कहीं से हमें मांगना नहीं पड़ रहा अपने आप पैसा आ रहा है। अपनी ओर से ये कोशिश है कि बुजुर्गों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो। पंजाब का आज के दिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये बेस्ट वृद्ध आश्रम है जहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं, भोजन कपड़ा स्वेटर ब्लैंकेट चादरें टॉयलेट सौंप हर चीज़ यहाँ पर फ्री है। जो नॉन कमर्शियल वृद्ध आश्रम है बहुत ही सुंदर व्यवस्था शहरवासियों के सहयोग से शहरवासी बहुत से बुजुर्ग अपना बर्थडे जन्मदिन एनिवर्सरी यहाँ मनाते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो हमें सहयोग भी है इनडायरेक्ट रूप में बुजुर्गों को अच्छा भी लगता है कि शहरवासी हमें पूछते हैं। तकरीबन असी कोई ऊपर दे 1.5 करोड़ रुपया लगाया 2 करोड़ रुपया पहला लगाया 3.5 करोड़ रुपया असी लगा दिता इतने जिद सब तो वड्डी भागीदारी जी है जो कम संभालते हैं भगत जी की है वो नाल नाल ही असी सोचते सी कि बिजली का बिल किवें दांगे। मेरे माता पिता तो है नहीं रब न प्यारे हो गए मैं इन्होंने बुजुर्गों को ही आपके माता पिता समझना। सर्दियों के गर्मियों सर्दियों हीटर चला गर्मियों एसी चला वास्ते सोलर सिस्टम लगे। अज मैं इन्होंने को आया नवा साल है नवे साल की मुबारक भी दिना इन्हों दुआवं लैन के वास्ते इतने मैं आना तो पंजाब सारे पंजाब को बेनती करना हिंदुस्तान को बेनती करना
कि हिंदुस्तान कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक एक दोस्तों कित भी बजुर्ग तुहानू मिल जाए उन्हां दी सेवा करो उन्हां दी दुआवां लो क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर अपना आपका कल्चर है साडा कोई वैसटर्न कल्चर नहीं है। माँ दीआं दुआवां बहुत दूर तक चलिया जांदियां ने। तुसीं देखिया साडे देश दे प्रधानमंत्री जी भी कोई भी आपका काम शुरू करन तों पहलां आपदी माता जी कोलों आशीर्वाद लैके जांदे सी। इउं ही असीं सरहद ते बैठे हाँ, ये साडियां बजुर्ग मातावां ही हैं जिन्हां ने मेरे फिरोजपुर नूं मेरे पंजाब नूं हिंदुस्तान नूं बचा के रखिया दुआवां दे नाल बचा के रखिया। इस करके फिरोजपुर दे विच पैसे की कमी नहीं आन देंगे, सरकार किसी की भी कोई होवे हिंदुस्तान साडा है, असी भारत माता दे लाल हैं। ये तो एवं थोड़ी देर वास्ते आए ने, तुर जाना इन्होंने तुहाडे सामने दिखा देंगे। हाँ सर, तुहाडा जन्मदिन भी है ते नवां साल भी है जी, उद्घाटन भी हो रहा जी, किस तरह लग रहा है? देखो नवें साल की मैं पहला भी क्या बहुत बहुत मुबारक दिना कि फिरोजपुर के लोग जड़े ने मेरे नाल प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। मैं भी अपनी जन्म भूमि कर्म भूमि के बदलने वास्ते इतने आया। मैं शब्द लैके गया सी, मैं आपका हर जन्मदिन तुहाडे चरणों के विच आके बैठ के मनाया करूँगा। इस तो पहले मैं कुष्ठ आश्रम भी जाके आया, होर जगह भी जड़िया मैं जाना है, हनुमान मंदिर च भी जाके आया। लोगों ने जो प्यार ते सत्कार दिता मैं तुहानू दस नहीं सकता। दिन के 24 घंटे होंगे है, 24 घंटे बंदा जे अद्धा घंटा भी फंक्शन ते लाए तो मेरे ख्याल जट्टा दा मुंडा 48 बन जाते हैं, मेरे 51 प्रोग्राम होने ने। इस तो ज़्यादा प्यार ते सत्कार मैनू की मिल सकता है? मैनू पैसे की लोड़ नहीं, मैनू इन्हां दे प्यार ते सत्कार की लोड़ है। इन्ना ही कहिंदा होया तुहाडा सब दा, खास करके जर्नलिस्ट साहिबाना दा, भी ये बाइट तुहाडी चलनी नहीं, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है एज ए सिटीजन कि जो प्यार ते सत्कार फिरोजपुर की आवाज़ तुसीं बुलंद करदे हो मैं तुहाडा सारी उम्र वास्ते ऋणी हां। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें तरुण बहरी और नीतू बहरी ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और सुरेंद्र गुलशन ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान अश्विनी डोगरा द्वारा मुख्य वक्ता के तौर पर हाजिरी लगाई गई। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओम उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद् पादमं विमध्यमं श्रथाया अथावयमादित्य व्रते तवा नागसु अदितये स्यामा स्वाहा इदं वरुणाय आदित्य आदिते चै दन्नवमा ओम भवत्तनः समनसौ सचेतसावरेपसौ मायज्यं हिंसिष्टं मायज्यपतिं जातवेदसौ शिवो भवत्तमद्यनः स्वाहा। ओम शुभं भवतु, ओम सौभाग्यमस्तु, ओम कल्याणमस्तु। हे ईश्वर, यजमान परिवार के सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, ओम स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नातु। नववर्ष 2023 के स्वागत में जालंधर हाइट्स 2 में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के सेवादार सीमा गल्होत्रा के आवास पर हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा गल्होत्रा व वरुण शर्मा ने रसमयी भजनों के माध्यम से भक्तों को प्रभु के चरणों से जोड़ा। अपने संबोधन में सीमा गल्होत्रा ने कहा कि हम सभी को नए साल की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में खुशियों का ही आगमन होगा। इस दौरान भजन गायक गोपाल पांडे और कन्हैया लाल ने भजन गाकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर हिमांशु गल्होत्रा, प्रियंका गल्होत्रा, बलविंदर गल्होत्रा, रोज गुप्ता, राशन गुप्ता, सोनिया, लवली, पूजा, शालू, रितु भंडारी, यास्मीन, सत्या, तनु, सीमा शूर, सुनीता, सोनिया, सोबती, वरुण शर्मा, पूनम, तरुण और राहुल के अलावा कई लोग मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
नववर्ष के आगमन पर सती माता वृंदा देवी मंदिर ट्रस्ट और भजन मंडली की तरफ से सती वृंदा देवी मंदिर कोट किशनचंद में भजन संकीर्तन करवाया गया। इस दौरान भजन गायक विजय कोड़ा एंड पार्टी ने देर शाम तक माता रानी के भजनों के साथ भक्तों को मां चरणों के साथ जोड़े रखा। ट्रस्ट के प्रधान बलराम कपूर, चेयरमैन हरिपाल सोंधी, महासचिव महेश कालिया काकू ने सभी आए हुए मां भक्तों का धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि नव वर्ष में माता वृंदा देवी का आशीर्वाद हर घर पर रहे और हर घर में खुशियों का वास हो। इस मौके पर शिव मंदिर शिवनगर के चेयरमैन गुरुदत्त शिंगारी, मुनीश शिंगारी, रोजी शिंगारी परिवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राजेंद्र राजा, गुलशन शर्मा, जीवन शर्मा, परीक्षित वधवा, ललित मित्तल, मनिंदर सचदेवा, शिव कुमार सहदेव, प्रिंस सोंधी, सतीश धीर, अनिल शर्मा काका, लखविंदर सिंह लाली, नरेंद्र शर्मा, तविंदर सोंधी, कशिश शर्मा, रघुराज बिट्टू, अनुराग सलवान, स्त्री सत्संग सभा की ज्योति सोंधी, तरुण शर्मा, रेणु सोंधी, किरण चड्डा, शशि सरीन, उर्मिला बजाज, कनिका सोंधी, पूजा घई, मोना बजाज, भूमिका सोंधी सहित बड़ी संख्या में मां भक्त शामिल थे। अंत में मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा अनेक प्रकार के लंगर प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। जालंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। कुश चावला जी भी आए थे दरबार में, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कुश चावला जी का, भी थोड़ा भी बड़ा आशीर्वाद है क्योंकि इन्होंने भदौड़ी कस्बे मेरा नाम बनया शहर के विजय कौड़ा पार्टी देवी तला मंदिर की देन है, उत्थे सब कुछ मिले। हर मंगलवार भी साड़ी ड्यूटी लगी है कि उत्थे असी प्रोग्राम करते हैं सवा सात तो लैके साढ़े नौ तक सब भरावान की दौड़ है, तो मैं इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता इन्होंने सारे वीर जी के तन मन मेरे न और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना घरिंडा चौक में एक गाड़ी और ऑटो में हुई भीषण टक्कर, 3 युवकों की मौत, 1 गंभीर जख्मी। जालंधर पठानकोट रोड पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर ट्रक से भिड़ी, 2 युवकों की मौके पर मौत, 3 घायल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नव वर्ष पर कई ऐतिहासिक फैसले लेने का किया ऐलान। जंडियाला गुरु में एक नौसरबाज ने सुनार की दुकान से 21.5 लाख रुपए की ठगी को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।